और बड़ी खबर आपको बता दें, सीटों पर तकरार के बीच राजधानी दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं की पांचवी बैठक हुई। इस बैठक में गठबंधन के नेताओं ने वर्चुअली हिस्सा लिया। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शामिल हुए, जबकि जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार और आरजेडी की तरफ से लालू यादव और तेजस्वी यादव ने हिस्सा लिया। इस बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार शामिल हुए। साथ ही सीपीआई से बात करें तो डी राजा और सीएमपी से सीताराम येचुरी ने हिस्सा लिया। डीएमके से स्टालिन कनिमोई भी बैठक में शामिल हुए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, वर्चुअली बैठक जो है इंडी गठबंधन की, इसकी शुरुआत हुई। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो नहीं पहुंचे। उद्धव ठाकरे जो है वो शामिल नहीं हुए, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी जो है वो शामिल नहीं हुए। हालांकि कहा जा रहा है कि पहले से तय कार्यक्रम था, ये हवाला उनकी तरफ से दिया गया। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या सच में यही वजह थी या वजह कुछ और थी। लेकिन ये पांचवी बैठक जो है वो इंडी गठबंधन की जो है फिलहाल चल रही है, और लगातार हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ये बताने के लिए कि आखिर बैठक में जो है अंदर से क्या जानकारी। मेरे सहयोगी नीरज लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज, अंदर से क्या जानकारी, क्या इस बार जो है, हालांकि दो बड़े नेता शामिल नहीं है, लेकिन क्या इस बार माना जाए सीट शेयरिंग को लेकर, चुनावी रैलियों को लेकर कोई जो है मुद्दा निकल पाएगा? देखिए, अभी बैठक चल रही है और इस वक्त हम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं से बैठक अटेंड कर रहे हैं। उसके अलावा केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक को दो घंटे होने को जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ममता बनर्जी और शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे तो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जो वीडियो हमारे सामने आई है उसमें अखिलेश यादव भी अब तक नहीं दिखे। हो सकता है वो बैठक में हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं, ये अभी जानकारी प्राप्त करनी होगी। लेकिन दो महत्वपूर्ण चेहरे हिस्सा नहीं ले रहे, ये न्यूज 18 इंडिया को कंफर्म हो गया। लेकिन कुछ और नेताएं हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है सीट शेयरिंग और साझा रैलियों के अलावा, ये है कि क्या कन्वेनर और चेयरपर्सन के पद पे इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि नीतीश कुमार इस बैठक में मौजूद है, उनके साथ दूसरी पार्टी के नेता भी मौजूद है। तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि क्या कन्वेनर और चेयरपर्सन पे चर्चा हुई, क्योंकि माना जा रहा था कि चर्चा होगी। शरद पवार ने अंतिम वक्त में, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन गया था शरद पवार को, और शरद पवार ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम को थोड़ा देर किया क्योंकि उनकी उपस्थिति पे भी संशय था। तो मुझे लगता है कि कुछ बड़े पद पे चर्चा जरूर हुई होगी और उसके लिए इंतजार करना होगा। अभी जो है बैठक के शायद बात जो है वो तस्वीर साफ हो जाए। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी शामिल नहीं हुए, उन दोनों ने क्लियर कर दिया था कि हमें जो है कितनी सीटें चाहिए, कहां कहां जो है हम रैलियां करने चाहते हैं, क्या सिर्फ यही वजह थी कि कोई और कार्यक्रम था या ये भी वजह हो सकती है? देखिए, टीएमसी के साथ कांग्रेस के जो संबंध है वो बहुत अच्छे, अगर स्टेट के लेवल पे देखें तो नहीं चल रहे, क्योंकि सीट शेयरिंग में टीएमसी ने कह दिया कि वो लोग हिस्सा नहीं लेंगे। शिवसेना की बात करें तो महाराष्ट्र में सीटों पर बातचीत चल रही है, 23 सीट शिवसेना चाहती है, एनसीपी 12 सीटों पे लड़ सकती है और बाकी सीटें कांग्रेस के पाले में जा सकती है। महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बंगाल में टीएमसी के साथ अंतिम तौर पे सीट शेयरिंग को लेकर समझौता होगा कि नहीं, क्योंकि टीएमसी ने अभी तक अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा है और कह दिया है कि वो दो से ज्यादा 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे सकते हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी इसके लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ है। लेकिन सीट शेयरिंग के अलावा, पार्टियों के बीच अंदरूनी लड़ाई के अलावा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज की बैठक के बाद कोई कन्वेनर या चेयरपर्सन जैसा पद क्रिएट होगा कि नहीं इंडिया गठबंधन के अंदर, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और उसका हमें इंतजार करना होगा। ऐसी स्थिति जो है वो इंडी गठबंधन में नजर आ रही है और यही वजह है कि लगातार बीजेपी हमलावर है। इंडी गठबंधन पर अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा, उन्होंने कहा है कि घमंडिया गठबंधन में ना सुर मिलते हैं ना तान मिलते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना कोई नेता है। तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर लगातार बीजेपी हमलावर है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन में जो भी बैठकें हो रही हैं, ना तो उनका कोई फोकस है, ना कोई चेहरा है, ना ही कोई नियत है। और ऐसे में आज जो इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि वर्चुअली बैठक हो रही है, कुछ नेताओं ने दूरी बनाई है, जैसे ममता बनर्जी की तरफ से साफ तौर पर कोई भी टीएमसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस बैठक में शामिल नहीं है। ऐसे में अंदरूनी कला कहीं ना कहीं गठबंधन में साफ तौर पर नजर आ रही है। गठबंधन की बात करते हो भाई, घमंडिया गठबंधन का, जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है, एक नेता दूसरे नेता से बात नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में
चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है। ये आपस में ही ना सुर मिलते ना ताल मिलता है। और हमने पहले दिन ही कहा था ना, इनका नेता है कोई ना नीति है, और नियत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था। और मैं फिर कहता हूं, ये घमंडिया गठबंधन ये कहीं का नहीं हो सकता। यह अलायंस कैसा है देश और दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कि यह घमंडिया गठबंधन है, अहम में और घमंड में रहने वाला, और वो भी भ्रष्टाचारियों की जमात, घोटालेबाजों की जमात, जहां सिर्फ तुष्टि और तुष्टिकरण ही है, कुर्सी से मतलब है, देश देशवासियों से विकास से कोई मतलब नहीं है, देश के तरक्की उत्थान से मतलब नहीं है, ऐसा गठबंधन है। अब बाद में देखेंगे कौन रहेगा। ये इंडिया अलायंस का खाली मीटिंग होता है, काम कुछ नहीं होता है, और वो न्यूज़ करने के लिए आप लोगों के लिए करता है, इसलिए देखिए कुछ होने वाला नहीं है, बाद में एक एक करके वहां से निकल जाएंगे। तो देखिए नीरज लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। नीरज, जिस तरीके से आप बता रहे थे, और यहाँ देखिए अब बीजेपी लगातार हमलावर है, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग जो है इंडी गठबंधन के तमाम नेता जो है वो अलाप रहे हैं। सीट शेयरिंग की बात तो बाद में होगी, लेकिन ये रूठना मनाना खत्म होगा पहले? देखिए कहीं ना कहीं पेच तो फंसा रहता है इंडिया गठबंधन के दलों में, और इंडिया गठबंधन के दलों को इस बात का अंदाजा भी है। कुछ इंडिया के घटक दल नाराज भी रहते हैं कि इस पार्टी से, खासकर कांग्रेस से उनकी नाराजगी कुछ क्षेत्रीय दलों की रहती है कि लेट लतीफ से फैसले हो रहे, खासकर जेडीयू के अंदर। लेकिन सीट शेयरिंग की बात करें या दूसरे मसलों की बात करें, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस का गठबंधन बंगाल में नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में चुनौती कम मिलेगी। स्टालिन जो कि डीएमके के प्रमुख है, वो जरूर तमिलनाडु से शामिल हुए हैं, वहां बीजेपी का जनाधार थोड़ा कमजोर है, लेकिन बंगाल में अगर आपको कड़ी चुनौती देनी है भारतीय जनता पार्टी को, तो ममता बनर्जी का साथ रहना जरूरी है। उद्धव ठाकरे, खासकर इस तरह की बैठकों में जब तमाम नेता शामिल होते हैं तो नैतिक समर्थन मिलता है लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को और विपक्षी गठबंधन को, लेकिन वो आज बैठक में नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ बड़े चेहरे जरूर हिस्सा ले चुके हैं। अखिलेश यादव के बारे में हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि वो इस बैठक में शामिल हुए हैं कि नहीं, क्योंकि वीडियो में उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। हालांकि कुछ और नेताओं का भी चेहरा नहीं दिख रहा है। 14 दलों को बुलाया गया था, हम तक जो वीडियो पहुंचा उसमें 9 दलों के नेताओं के चेहरे दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं, एनसी से उमर अब्दुल्ला है, पीडीपी चीफ का चेहरा उसमें नहीं दिखा है, स्टालिन दिख रहे हैं, शरद पवार दिख रहे हैं, सीताराम येचुरी दिख रहे हैं, सीपीआई से डी राजा दिख रहे हैं, कांग्रेस के नेता खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल दिख रहे हैं, एनसीपी से शरद पवार दिख रहे हैं, तो ये लोग जरूर मौजूद है। नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी देखना होगा कि जो लोग शामिल नहीं हुए हैं और क्यों नहीं हुए और कैसे आगे अपनी बात को ले जाती है इंडिया गठबंधन। बिल्कुल, और नीरज सबसे बड़ी बात यह कि चाहे टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कई चुनौतियां जो है वो कांग्रेस के सामने है, लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीटों के बंटवारे को लेकर एक अहम बैठक की। दिल्ली में कांग्रेस के नेता मुकुल वासनी के घर पर करीब 2 घंटे तक की बैठक चली और दोनों ही पार्टियों ने बैठक को बहुत सकारात्मक बताया। लेकिन अब आपको अंदर की बात बताते हैं। देखिए सूत्रों की माने तो शुक्रवार को हुई बैठक में पंजाब पर कोई चर्चा नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई बैठक में दिल्ली, गोवा और गुजरात में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है। इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी ने गुजरात के भरूच सीट पर चैतर वसावा को उम्मीदवार घोषित करने का दावा भी पेश कर दिया है। ये आपको वो बता रहे हैं कि आखिर पेच जो है वो कहां कहां फंस रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब में साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।